आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे रिहायशी महल के पास में, जहाँ पर जयपुर के राजे रजवाड़े अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। और ये महल है आमेर महल। और जयपुर के राज परिवार के सदस्य यहाँ तब तक रहते थे जब तक कि जयपुर की चार दीवारी में सिटी पैलेस का निर्माण नहीं करा लिया गया था। यानी कि जब जयपुर के शासक सवाई जयसिंह बने थे और उनके द्वारा 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, तो उसके बाद ही सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था। तो उस समय तक जयपुर के राजे रजवाड़े अपने परिवार के साथ इस आमेर महल में रहा करते थे। और ये आमेर का जो महल है चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर किसी भी आक्रांता के लिए, किसी भी दुश्मन तक यहाँ पर पहुँचना आसान कार्य नहीं हुआ करता था। तो मैं इसी रिहायशी आमेर महल की आज आपको सैर कराने वाला हूँ। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं। अब हम आमेर महल में अंदर की ओर आ चुके हैं और ये जो आपको बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, इसको कहते हैं जलेब चौक। दरअसल ये जो वर्ड है जलेब, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चौकोर या चौरस। तो ये पूरा ग्राउंड चौकोर या चौरस है, इसलिए इसको जलेब चौक कहते हैं। इस जलेब चौक में पहले मिलिट्री परेड हुआ करती थी, यानी कि राजा के जो सैनिक होते थे, जो उनकी मिलिट्री होती थी, तो सैनिकों की यहाँ परेड हुआ करती थी और राजा ऊपर से उनकी परेड को देखा करते थे। अब इस जलेब चौक में ये जो आपको नीचे की ओर ये जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पहले घोड़ों को बांधा जाता था, यानी कि ये पहले अस्तबल थे। अस्तबल यानी घोड़े के बांधने का स्थान। तो यहाँ पहले घोड़ों को बांधा जाता था, जो कि अस्तबल का कार्य किया करते थे, क्वार्टर्स। अब इस जलेब चौक में आप दो गेट से एंटर कर सकते हैं। एक तो ये जो आपको गेट दिख रहा है, इसको कहते हैं मून गेट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चांद पोल। मून का अर्थ हो गया चांद और गेट का अर्थ हो गया पोल। तो एक तो इस गेट से एंटर कर सकते हैं, दूसरा इस गेट के ठीक सामने ये जो दूसरा आपको गेट दिख रहा है, इसको कहते हैं सूरज पोल, यानी कि सन गेट। तो हमने इस जलेब चौक में इस सन गेट से, यानी सूरज पोल से ही एंटर किया है। और नीचे से इस सूरज पोल तक पहुंचने में हमको काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, यानी कि आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इंजॉय करेंगे अपनी इस यात्रा को, अपने इस टूर को काफी इंजॉय करेंगे। अब ये सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है दीवानयाम। यहाँ पर राजा का दरबार लगता था, वो अपनी प्रजा से मिलते थे, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे। यहाँ दीवानयाम में ही जो रॉयल फेस्टिवल जो होते थे, शाही त्यौहार होते थे, वो सेलिब्रेट किए जाते थे, यहाँ की आम जनता के साथ में मिलकर सेलिब्रेट किए जाते थे। इस दीवाने आम का निर्माण यहाँ पर लगी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इसका निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने कराया था। मानसिंह फर्स्ट जिनका शासनकाल 1589 से और 1614 ईस्वी तक का रहा था। मानसिंह फर्स्ट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के मुख्य सेनापतियों में से भी हुआ करते थे। तो देखिए, मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दीवाने आम की, इसकी क्या स्पेशलिटी है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 64 पिलर्स पर, यानी 64 खंभों पर खड़ा हुआ है, जिसमें बाहर की तरफ डबल डबल पिलर्स एक साथ बने हुए हैं और ये बाहर की तरफ बने हुए पिलर्स हैं टोटल 48 और अंदर की तरफ सिंगल सिंगल पिलर्स बने हुए और इनकी संख्या है, इनके नंबर हैं 16। अब देखिए, बाहर की तरफ ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, जो दो दो पिलर एक साथ बने हुए हैं, यानी दोहरे खंभों की ये जो पंक्ति आपको दिख रही है, तो इसमें रेड सैंडस्टोन लगाया गया है, यानी लाल बलुआ पत्थर लगाया गया है, जो उस समय करौली से मंगाया गया था। आज तो करौली राजस्थान का एक जिला है, तो उस समय करौली से मंगाकर ये पत्थर लगाया गया था। और अंदर जो सिंगल पिलर्स हैं, इनमें व्हाइट मार्बल लगाया गया था, जो कि जयपुर का लोकल मार्बल ही है। अब देखो, ये व्हाइट मार्बल्स के बिल्कुल बीच में ये जो छत है, इस छत को कहा जाता है लदाब की छत। दरअसल इसकी एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है कि इस लदाब की छत में आप देखिए, इसमें आपको दो अलग अलग रंगों की लेयर्स दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग रंग के पत्थर हैं।
और इन पत्थरों को एक साथ एक के बाद एक रखते हुए और ऊपर चूने की काफी मोटी परत फैला दी जाती थी और नीचे से सपोर्ट दिया जाता था। तो जब 6 महीने 8 महीने बाद वो चूना इन पत्थरों को कसकर पकड़ लेता था तो इसके नीचे से इस सपोर्ट को हटा दिया जाता था और इस छत को कहा जाता था लदाब की छत। तो अभी इसके नीचे आपको कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, पहले इसके नीचे सपोर्ट था इनको बनाते टाइम में। अब देखिए यहां इसमें ऊपर की तरफ आपको ये जो डिजाइन दिख रहा है तो इसमें हाथी की सूंड में आपको कमल का फूल दिखाई दे रहा है। दरअसल ये हिंदू शैली है, हाथी की सूंड में कमल का फूल। और नीचे इन पिलर्स में ये जो आपको फूल पत्तियां दिख रही हैं ये मुस्लिम शैली है। तो एक प्रकार से ये दीवाने आम जो है इसमें आपको हिंदू शैली भी देखने को मिल जाएगी और मुस्लिम शैली भी देखने को मिल जाएगी। अब दीवाने आम में अगर पीछे की तरफ हम चलें तो यहाँ पर ये कुछ बंद कमरे हैं, दरवाजे बंद किए हुए। तो यहाँ ये दरअसल बिलियर्ड्स रूम है, इसका निर्माण जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकेंड, उन्होंने कराया था। लेकिन अभी तो यहाँ पर एंट्री नहीं है, इनको बंद किया हुआ है, तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो दीवाने आम के बाद अब हम आगे चलते हैं 27 कचहरी की ओर। 27 कचहरी जो है ये दीवाने आम के पीछे राइट साइड की ओर है और इस 27 कचहरी के संबंध में मुझे यहाँ के गाइड जेएल कुमावत जी ने जो भी बताया है वो सारी जानकारी मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। हालांकि जेएल कुमावत जी काफी वृद्ध हैं और काफी अनुभवी भी हैं और उनके साथ घूमते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे उनको यहाँ के संबंध में काफी अच्छी नॉलेज है। तो इसके संबंध में क्या बताया उन्होंने कि उस समय यानी रियासत काल में जयपुर रियासत के अंतर्गत 27 बड़ी जागीरें आया करती थी और उन जागीरों से रिलेटेड यानी प्रत्येक जागीर से संबंधित एक कर्मचारी या अधिकारी यहां बैठा करता था जो रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य किया करता था। तो टोटल यहां उन 27 जागीरों से रिलेटेड 27 कर्मचारी या अधिकारी बैठा करते थे, इसीलिए इसको 27 कचहरी कहा गया। अब इस 27 कचहरी में अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो यहां से पूरा आमेर शहर हमको दिखाई देता है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, बहुत सुंदर नजारा है। और इन पहाड़ियों पर आपको ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो दीवार दिख रही है, ये आमेर की सुरक्षा के लिए होती थी जिसके संबंध में अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात की थी। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 12 किलोमीटर। और आमेर महल में नीचे आपको ये जो झील दिख रही है इसको कहा जाता है मावठा झील। इस मावठा झील के बीच में आपको ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है, इस गार्डन को कहते हैं मोहन बाग। और वो जो गार्डन आपको दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है दिल ए आराम या दयाराम बाग। अब हालांकि ये जो दो व्यक्ति थे दयाराम और मोहन, जिनके नाम से इन गार्डन के नाम रखे गए हैं, ये मिर्जा राजा जयसिंह के कारीगर थे और इन्होंने शीश महल का कार्य किया था। अभी हम आमेर में महल में और अंदर की तरफ जाएंगे तो एक जगह है शीश महल, दरअसल वहां पर शीशे का काफी बारीक काम किया गया है, मिरर का बहुत बारीक काम किया गया है और उनके जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और मोहन। इसीलिए मिर्जा राजा जयसिंह ने उनकी योग्यता और उनके कार्य से प्रसन्न होकर इन गार्डन के नाम उन दोनों के नाम पर रखे थे। वैसे मोहन बाग को केसर बाग भी कहा जाता है क्योंकि मिर्जा जयसिंह ने कश्मीर से केसर मंगाकर यहां पर उगाने का प्रयास किया था लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके थे क्योंकि राजस्थान और कश्मीर के टेम्परेचर में दिन और रात का अंतर है। अब देखो ये जो झील हमको नजर आ रही है यहां से बड़ी सुंदर लग रही है और जब हम रोड से देखते हैं तो इस झील के कारण आमेर महल भी बहुत सुंदर नजर आता है। और इस मावठा झील के संबंध में मेरी एक व्यक्ति से बात हुई जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिनका नाम है राजू नाथ जी। तो अभी मैं आमेर महल के ठीक नीचे हूँ मावठा झील के पास में और मेरे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी राजू नाथ जी। तो हम एक बार इनसे इस मावठा झील के संबंध में कुछ पूछते हैं कि आखिर ये झील पानी इसमें अभी पूरा भरा हुआ नहीं है तो कब इसमें लास्ट पानी भरा था, तो इसके संबंध में जितनी भी जानकारी इनको है एक बार हम इनसे बात करते हैं। तो राजू नाथ जी आपको व्यूवर्स देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो इस झील के बारे में आप बताइए। सर पहले तो 95-96 में भरी थी, लास्ट टाइम 95-96 में भरी थी, उसके बाद में 12 में उसके बाद में बारिश हुई नहीं आमेर के अंदर तो पानी आया नहीं। फिर ये बिसलपुर से लाइन लगी थी एक पाइप डाल के और उस पाइप से इसको बिसलपुर से मतलब पाइप से डाल के और उसे भरा गया इसको पानी में और अभी ये 18 तारीख तक ही भरा जाएगा इसमें पानी, फिर उसके बाद में ये लाइन भी बंद हो जाएगी, तो जितना पानी इतना ही रहेगा इसमें। तो मतलब वर्तमान में बारिश से पानी नहीं भरता, जितना भी यहाँ पानी भरता है वो सारा बिसलपुर डैम से होता है, तो इसका मतलब टोंक जिले से लाकर पानी यहाँ भरा जाता है। टोंक जिले से लाकर पानी भरा जाता है, बिसलपुर डैम से पानी आता है पूरा यहाँ पर। ओके ओके ओके, धन्यवाद राजू नाथ जी।
आइए अब हम चलते हैं पुराने बिना बिजली से चलने वाले गीजर की ओर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पुराना बिना बिजली से चलने वाला गीजर, क्योंकि उस समय यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए पानी जो गर्म किया जाता था वो बिना बिजली के ही गर्म किया जाता था। अब कैसे गर्म किया जाता था तो ये समझने के लिए हमको अंदर स्नान घर में चलना पड़ेगा। तो अभी हम अंदर स्नान घर में आ गए हैं और इसको कहा जाता था हम्माम। दरअसल ये जो वर्ड है हम्माम, ये अरबी भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्नान घर। और ये जो आपको भाग दिख रहा है ये उस गीजर के अंदर का भाग है जिसको अभी हम बाहर से देख रहे थे। तो इस अंदर वाले भाग में पानी भर दिया जाता था और बाहर इसके नीचे लकड़ियां जलाई जाती थी जिसके कारण हीटिंग की वजह से इसके अंदर भरा हुआ पानी गर्म हो जाता था। अब ये जो गीजर है इसमें कॉपर की प्लेट लगाई हुई है और कॉपर की प्लेट के ऊपर प्लास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता था नीचे जब हीटिंग होती थी तो कॉपर की जो प्लेट है वो ऊष्मा की अच्छी चालक है, यानी कि हीट की अच्छी कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से पानी जल्दी गर्म हो जाता था। और इस गीजर के ठीक बगल में एक और टंकी बनी हुई है जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता था। तो इन दोनों टंकियों से ठंडा और गर्म ये दोनों पानी इन नालियों के माध्यम से होते हुए और फिर जाते हुए और फिर इस बाथ टब में आकर मिल जाते थे, यानी कि इस बाथ टब में नालियों के माध्यम से ठंडा और गर्म पानी दोनों आकर मिक्स हो जाते थे। और उसके बाद फिर इसमें परफ्यूम वगैरह डाल दिया जाता था, यानी इत्र डाल दिया जाता था गुलाब का या केवड़े का, और उसके बाद फिर यहाँ स्नान किया जाता था। इस स्नान घर की छत को अगर आप देखें तो ये काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है, और ये देखने में ऐसे लगती है जैसे इसको डायमंड की शेप में बनाया गया है, मतलब इसको हीरे की आकृति में बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप स्नान घर की दीवारों पर किए गए प्लास्टर को देखें तो इस प्लास्टर में बहुत अधिक चमक है, और इसकी एक विशेषता यह है कि आप इस प्लास्टर पर जितना ज्यादा हाथ फेरेंगे इसमें उतनी ही चमक उत्पन्न होती चली जाएगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह प्लास्टर आज से 300 से 400 वर्ष पहले किया गया था, और उस समय चूने को प्रोसेस करके यह प्लास्टर किया गया था, जबकि हम जानते हैं चूने में इतनी ज्यादा चमक नहीं होती है। तो सोचने की बात है कि चूने को किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से प्रोसेस किया गया होगा जिसकी वजह से इसमें इतनी शाइन है, और समय के साथ साथ इसमें शाइन बढ़ती ही चली जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आपके हाथ में कोई घड़ी बंधी हुई है तो इसकी दीवार यानी कि इस प्लास्टर में से आप अपनी घड़ी का टाइम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्नान घर में अलग अलग कमरे भी बने हुए हैं, चेंजिंग रूम अलग है, इसके अलावा मालिश करने के भी अलग अलग कमरे बने हुए हैं। तो अब स्नान घर के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आमेर महल में जो गणेश पोल बना हुआ है उस पर जो पेंटिंग की हुई है उस पेंटिंग की क्या विशेषता है उस विशेषता की हम बात करते हैं। तो आइए अब स्नान घर से आगे हम गणेश पोल की ओर चलते हैं।